Hey guys, what's up? We have the new JBL headphone. और आज मैं बात करने वाला हूँ इसी हेडफोन के बारे में, मतलब कि मेरे नए टॉय के बारे में। वैसे बात करें JBL as a brand, तो ये है JBL by Harman, लेकिन JBL की जो साउंड क्वालिटी होती है काफी अच्छी होती है। और प्रीमियम सेगमेंट में बात करें JBL की, तो हेडफोन्स काफी अच्छे आते हैं, लेकिन ये जो है मेरे पास एक मिड सेगमेंट का हेडफोन है जिसको आप काम में ले सकते हो डेली बेसिस पे। अगर आप म्यूजिक लवर हो तभी आप खरीदो, नहीं तो पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो बात करते हैं इस हेडफोन की। तो सबसे पहले ये जो मॉडल है ये मिलता है आपको JBL की तरफ से T450। उसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको सुपर साउंड बेस मिलता है, रिमोट कंट्रोल मिलता है, एक बटन है इसमें जिसको प्रेस करके आप कॉल को पिक कर सकते हो, कॉल को एंड कर सकते हो, म्यूजिक को आगे पीछे प्ले पॉज ये सारी चीजें कर सकते हो। लाइट वेट है, फोल्ड हो सकता है, वो तो सब में होता है। और सबसे खास बात इसके अंदर ये है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है मेरी वो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऐसी एप्पल की वायर्स ले लो या ऐसी इस टाइप की जो भी वायर्स होती है जिसमें सर्कुलर वायर होता है, इनमें इशू होता है कि भाई ये ना उलझते बहुत है, और फिर इनको जब भी आपको म्यूजिक सुनना है तो पहले इनको सुलझाओ, मतलब वो हर बार का एक पजल हो जाता है। बट यहाँ पे जो वायर मिलता है वो मिलता है आपको टैंगल फ्लैट फ्री वायर्स, मतलब कि वो जो वायर है वो आपस में उलझेंगे नहीं, हमेशा सुलझे रहेंगे, तो जब भी आपको म्यूजिक सुनना है तो आपको एक पजल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो सबसे अच्छी बात है इसमें। तो इसको करते हैं अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक लॉक है, उसको रिमूव किया, तो रेडी हो आप देखने के लिए? ओपन कर दूँ? पक्का? ये लो, ये आ गया टेन 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 टेन। बोल सो फाइनली इसके अंदर निकली दो चीज़, एक तो ये सिंपल सा कुछ ब्रोशर है जो अपने काम का नहीं है, इसमें लिखा हुआ कैसे यूज़ करना है, लेकिन अगर आप ये भी नहीं जानते हो यूज़ कैसे करना है तो खरीदने का मतलब नहीं है। तो इसको हम करते हैं साइड में। बात करते हैं इसकी जो है कमाल की चीज़। तो सबसे पहले तो भाई लुक एंड फील जो है बिल्कुल क्लासिक ब्लैक है, बहुत रिच लुक आ रही है, और यहाँ पे आप कलर देख सकते हो उसका। तो एक काम करते हैं, हम ये जो वीडियो है उसको डेडिकेट कर देते हैं इस हेडफोन, तो फिर थीम चेंज करते हैं वीडियो की। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करें हेडफोन की क्वालिटी की, तो क्वालिटी अच्छी है, जो प्लास्टिक क्वालिटी है काफी बेटर है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है जो फ्रंट पैडिंग है, जो फॉर्म है यहाँ पे आपके ईयर के ऊपर रेस्ट करने वाले, वो काफी कंफर्टेबल है। तो आपको लाउड म्यूजिक सुनोगे या बहुत देर तक म्यूजिक सुनोगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ट्रबल क्रिएट करने वाले हैं। साउंड क्वालिटी हम चेक करेंगे अभी, उसके बाद ब्रांडिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको लेफ्ट या राइट दोनों साइड में JBL की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और उसके बाद जो वायर की बात कर रहा था, यहाँ पे आप वायर को देख सकते हो, ये टेंजिबल वायर है, मतलब फ्लैट है, वो कैसे मैं दिखा देता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे दिख सकता है, आपको वायर दिख रहा है, ये फ्लैट वायर्स हैं। उसके बाद खास बात क्या है कि यहाँ पे देखो जो इसका 3.5 mm जैक है वो भी कॉपर का है, मतलब कि जहाँ भी कॉपर के जैक आते हैं ना आप समझ जाना वहाँ की क्वालिटी काफी प्रीमियम है। और देखो टेंजिबल वायर की खासियत क्या है, इसको आप ओपन करोगे ये हो गए ओपन, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी उलझता नहीं है, कोई भी पजल क्रिएट नहीं होता है। जब भी आपको म्यूजिक सुनना है निकालो और म्यूजिक सुनो। इसके जो स्पीकर है काफी पोर्टेबल है, आप इसको लेफ्ट राइट अप डाउन कैसे भी रोटेट कर सकते हो, तो और ये स्ट्रेच भी होता है, यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो इसको अगर आपके पास बिग हेड है तो शायद। वेल जो ग्रिप काफी सॉलिड है इसकी। वेल बात करें रिमोट की, तो यहाँ पे यू कैन सी द रिमोट, दिस इज द रिमोट, यहाँ पे एक सिंगल बटन है, इसको आप प्रेस करके आप प्ले पॉज कॉल को पिक कर सकते हो, कॉल को एंड कर सकते हो। और इसमें माइक भी है, इनबिल्ट माइक, तो अगर आप फोन पे भी बात कर रहे हो तो यहाँ से आवाज जाएगी। वायर की क्वालिटी अच्छी है, स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है। अब चेक कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। वेल फॉर साउंड क्वालिटी सबसे पहले ओपन करते हैं अपना एप्पल म्यूजिक, बट ये इसमें लग नहीं सकता है बिकॉज एप्पल वालों ने ये सबसे गंदा काम किया है, 3.5 mm जैक हटा दिया। तो ये मेरे पास MI फोन है, इसमें मैंने एप्पल म्यूजिक स्टार्ट किया और ये चला दिया गाना, तो यहाँ पे आपको आवाज आ रही होगी, मतलब लाउड है ये काफी। तो ये रहे आपके कान और ले गए इसे बीच में, रिमूव कर लेते हैं। सीने बिच चल दिया रगा च लगोलवा आ जा तैनू सहा देनी ताके च परोलवा सीने बिच चल दिया। अभी म्यूजिक लाउड पे है बट मुझे मेरी आवाज भी क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, मतलब कि इसकी जो इंटेंसिटी है काफी हाई है, वॉल्यूम क्लियर है, बेस काफी अच्छा है, ट्रेवल काफी अच्छा है, जो साउंड है काफी बैलेंस फॉर्म में आ रहा है, तो वो अच्छी चीज है इसमें। तो वेल ये थे हेडफोन JBL की तरफ से बाय Harman, मुझे अच्छे लगे। अगर आप एक म्यूजिक लवर हो, आप डेली बेसिस पे म्यूजिक सुनते हो, अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक चाहिए, और आप ईयरबड या वो जो ईयरफोन होते हैं उनसे परेशान हो गए क्योंकि वो कान में रहते हैं और काफी देर तक म्यूजिक सुनते हो, तो आप डिसाइड कर लो आपको इस तरीके से म्यूजिक सुनना है या
आपको सिंपल इस वाले तरीके से सुनना है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसको आप लॉन्ग टाइम तक काम में ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये हेडफोन काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट किसी से भी, आपकी मर्जी है। फ्रीडम टू बाय का राइट है तो आपको जो मार्केट प्लेस अच्छी लगे आप वहाँ से जाके सेलेक्ट कर लो और परचेज कर लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेडफोन पसंद आए होंगे। इसके साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म, आगे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।